हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज चलते हैं बनाते हैं अरवी की सब्ज़ी। और नाम है उसे अच्छे से थोड़े से ही मसाले में अच्छी सी सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये एक साइज़ की अरवी है। इसे हम अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिए हैं। और ये देखिए, एक भी ख़राब अरवी नहीं है। अब इसे हम कुकर में डाल लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। ज़्यादा पानी नहीं भरना है हमें, एक ही गिलास पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच नमक, ताकि अरबी फटे ना और अच्छे से बॉईल हो सके। इधर गैस जला दिए हैं। अब इस पर हम कुकर रख देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसे एक सीटी ही लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, नहीं तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब एक सीटी आ चुकी है, गैस के नीचे बंद कर देंगे। और हम ठंडा होने के बाद खोल लेते हैं। अब ये देखिए, एक बार इसे पानी से धुल लेंगे और अरबी को अलग रख लेंगे, ताकि हाथ में गर्म ना लगे। ये देखिए, आप एक हाथों से चाहें तो एक हाथों से भी इसे छील सकते हैं। बहुत आसानी से छील जाता है और ये हाथ में खराश भी नहीं करता। अगर कच्ची अरबी हम साफ़ करते चाकू से तो हमारे हाथों में खराश होती है। देखिए, एक हाथों से ही साफ़ हो रहा है। अभी ये ज़्यादा गर्म है, इसलिए बहुत सावधानी से हमें इसे साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। और जब हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे अपनी अरबी। अरबी हमें फ्राई करनी है। देखिए, अरबी हमारी फ्राई हो रही है। तो फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इधर मसाला हम अपना निकाल करके भिगो देंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं और लचीले हो जाएं। इसमें डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। बस इतना ही डाले हैं और कुछ नहीं। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इधर हम अपनी अरबी को चेक कर लेते हैं कि ये फ्राई हुई या नहीं। देखिए, ये गोल्डन कलर का हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम सारी अरबियों को अपने हम निकाल करके प्लेट में रख लिए हैं। और अब इसी में हम डाले हैं हींग और ये अजवाइन। अजवाइन ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से हो जाती है। और इसके बाद डाल देंगे प्याज और हरी मिर्ची। अरबी की सब्ज़ी बगैर अजवाइन की अच्छी नहीं बनती, इसलिए हमें सब्ज़ियों में अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि ये गैस ना करे, किसी को नुकसान ना करे। और जिसे अरबी नहीं अच्छी लगती, अगर इस तरीके से अरबी बनाएगा वो, तो बार बार अरबी खाना पसंद करेगा। ये देखिए, इसी में अपना जो बना करके मसाला रखे थे वो भी इसी में डाल दिए। इस समय टमाटर नहीं आ रहे, बहुत महंगे हैं टमाटर, इसलिए नहीं डाले जा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर मसाले लग रहे हैं। और जब हमारे मसाले से तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, तब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसी में हम डाल देंगे अपनी अरबी और इसे भी 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी अरबी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एक बार के लिए और ढक देंगे। और हम अरबी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी।